अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूँ ज़रनक सिधवा, आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ। अपोलॉजीज़, कल मैं नहीं आ सकी थी, अ फ्रेंड ऑफ माइन हैड पास्ड अवे, तो मुझे वहाँ जाना पड़ा। ओके, जो रेसिपी है कल की मैं ज़रूर आप लोगों को करा दूँगी, ठीक है। उसकी एक रेसिपी तो आज हम करा रहे हैं, एप्पल जलेबी, बिकॉज चीकू हलवा वॉज सपोज टू बी डन टू डे, लेकिन कराची में कहीं भी चीकू नहीं मिल रहा है मुझे। आई डोंट नो वेयर द चीकूज हैव गॉन। तो अगर आपको पता है कहाँ चीकू मिल रहे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। हैड प्लान्ड आउट अ वेरी नाइस रेसिपी, और चीकू ऐसी फ्रूट है कि आपको ना टिन मिलती है ना फ्रोजन मिलती है। सो आई हैड टू डू यस्टरडेज रेसिपी, जो कि है एप्पल जलेबी। और हम आज मुगलाई कड़ी बनाएंगे गोश्त के साथ। मटन मैंने बॉयल करके यहाँ रखा हुआ है, और मैं आपको दिखाना चाह रही थी लेकिन वो एक दिन हम भूल गए थे मंडे को। ये वो क्यूब्स थे जो मैंने निकाल के आइस क्यूब के ट्रे में से रखे थे, जो टोमेटो पेस्ट के मैंने उस दिन बनाए थे ऑन फ्राइडे, ठीक है। ज़रूर आप लोगों भी ट्राई करिएगा और इसी तरह बनाइएगा। एंड द टोमेटो केचप इज़ ऑल्सो नाइस एंड थिक एंड कूल्ड, और उसको मैंने जार में रख दिया था। वो तो शायद आई थिंक मैंने आप लोगों को उस दिन दिखाया था। जब ये फ्रीज़ हो जाए तो पिघल गए, बिकॉज ये हमने बाहर निकाल के रखे थे आइस क्यूब की ट्रे में से। आप क्या करिएगा, आप एक बैग बना के आइस क्यूब की पूरी ट्रे को उसी में डाल दीजिएगा, ताकि वो टोमेटो पेस्ट के क्यूब्स फ्रोजन रहें। फिर जब भी सालन बनाना है, और टोमेटो पेस्ट आपको कैन वाला नहीं इस्तेमाल करना है, आपने देखा था मैंने कोई कलर कुछ भी नहीं डाला था, नो एडिटिव्स नो प्रिजर्वेटिव्स। तो आप घर में बनाइए ये। अब मैं इसको दोबारा फ्रीज़र में रख देती हूँ ताकि और मज़ीद ये पिघल नहीं जाए। अच्छा जी, डिलक्स केटल है इनिक्स की तरफ से। किस किस को जीतना है, अगर आपको जीतना है तो आपने मुझे बताना है कि ये है मेरे हाथ में एक चीज़, ये पिसा हुआ फॉर्म है, ये साबुत है, ठीक है, नजर आ रहा है। सो ये इसको हम कहते हैं जावित्री, लेकिन अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ये आज का सवाल है, ठीक है। मसाला एफडी लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, एनआईसी कार्ड नंबर जरूर लिखिएगा। पिसा हुआ नजर आ रहा है, शायद साबुत नजर नहीं आ रहा था, देख लें क्या है ये, जावित्री है ना, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, बस ये मुझे पता करना है आपसे, ठीक है जी। चलिए, लेट्स कम टू आर रेसिपीज। मगर उससे पहले आई रिमाइंड यू कि फ्राइडे को अगर आप लोग मुझसे मिलना चाहते हैं, मेरे साथ डिनर खाना चाहते हैं बीच लग्जरी होटल में, तो शाम को 7 बजे ऑनवर्ड्स यू कैन कम। 27 और 28 सितंबर को पाकिस्तान फूडीज़ फेस्टिवल है बीच लग्जरी में, और उसके भी 2 कूपन्स हैं हमारे पास आज टू गिव अवे। तो ये एनएक्स गिफ्ट के साथ 2 वाउचर्स भी हैं बीच लग्जरी होटल के। तो अगर आपको जीतना है तो जल्दी से बताइए कि ये जावित्री को हम अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं, ठीक है। मसाला एवरी लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, एनआईसी कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। नाउ लेट मी कम टू एक्सप्लेनिंग कि ये मुगलाई कड़ी हम आज किस तरह बनाएंगे। जैसे कि कड़ी वीक है, बहुत सारे मज़ेदार से कड़ीज़ मैं लेके आई हूँ दिस होल वीक, मेरे साथ रहिएगा, देखिएगा। सबसे पहले मैंने एक चीज़ कर दी थी, सिर्फ मटन को मैंने बॉयल किया था। अब मुझे क्या करना है, मुझे थोड़ा सा घी गरम करना है, और फिर जो बॉयल्ड मटन है ना उसको आपको मैरिनेट करना है विद अदरक लहसुन। आप ऐसे समझिए कि आप अदरक लहसुन के साथ बस उसको पका रहे हैं, सिर्फ अदरक लहसुन, पानी डालिएगा और कुछ नहीं डालिएगा। सॉल्ट डाल सकते हैं, नमक इफ़ यू वांट। गोश्त की जब भी कोई रेसिपी होती है मैं एटलीस्ट 3/4 डन करके ही लेके आती हूँ, बिकॉज इट डजंट मेक सेंस यहाँ बॉयल कब करेंगे और कब होगा। सो दिस इज़ बेस्ट फॉर माई शो कि मैं बॉयल करके लेके आऊँ। डिपिट के सॉसेज यूज़ करेंगे आज हम इस कड़ी में। डिपिट का हॉट बफेलो सॉस है, बफेलो सॉस है, हॉट सॉस है, हैबेनेरो केचप है, और प्लेन सिंपल केचप है, सोया सॉस है, चिपोटले है, हैबेनेरो सॉस है, स्मोकी बारबेक्यू सॉस है, थाई स्वीट चिली सॉस है, पिज्ज़ा सॉस एंड सोया सॉस। बहुत सारे मज़ेदार सॉसेज हैं, और मैं आपको ये बताती चलूँ कि दे आर MSG फ्री, दे हैव नो कलर्स इन देम। एंड इसके अलावा आपको ये भी मैंने बताया है कि 13 डिफरेंट सॉसेज फ्रॉम डिफरेंट क्विजींस ऑफ द वर्ल्ड इन्होंने इंट्रोड्यूस किए हुए हैं, जो कि कोई कंपनी ने नहीं किया है। कोई इसमें स्टार्च नहीं है, MSG नहीं है, आर्टिफिशियल कलर और फ्लेवर नहीं है, और लोकल ऑथेंटिक इंग्रेडिएंट्स से बनाया गया है। 700 से ज़ायद दुकानों में कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान एंड फैसलाबाद में डिपिट के सॉसेज अवेलेबल हैं, और मेरा फेवरेट तो थाई स्वीट चिली सॉस है। daraz.pk से भी आप डिपिट के सॉसेज खरीद सकते हैं। ओके, अदरक लहसुन, घी और मटन, ठीक है। मैंने इसलिए मटन के इसके साथ डाला, मैं जब मटन पकाती हूँ घर में हमेशा पकने के बाद उसमें हम नमक डालते हैं, पहले नहीं। इसको ज़रा थोड़ा सा हम भून लेंगे ताकि अदरक लहसुन का इसमें अच्छी सी खुशबू आ जाए, ठीक है। लेट्स लीव दिस हियर,
अब मैं क्या करूँगी, मैंने जो मटन बॉईल किया था उसका स्टॉक फेंक नहीं दिया था, उसका सूप यहाँ मैंने रखा हुआ है। अब हमें मसाला पीसना है। जैसे मैंने आपको उस दिन भी एक्सप्लेन किया था पीर को कि हर कड़ी की डिफरेंट एक मसाले की बेस होती है, वो बेस जो होता है वो बहुत ही बेहतरीन सा स्मूथ सा फाइनली आपको पीसना पड़ता है, तो वो हम पीसना शुरू करेंगे। ठीक है जी, उसके लिए मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं। खोपरा है, वो ब्राउन वाला शेल वाला जो खोपड़ा होता है उसका शेल निकाल दीजिएगा, बड़ा सा कद्दूकश इस तरह कर दीजिएगा। अच्छा, फिर इसमें हम क्या डालेंगे, ये है कोरिएंडर सीड्स यानी के साबुत धनिया, ठीक है, एक टेबलस्पून भर के जाएगा इसमें। फिर इसमें जाएगा सफेद तिल, ठीक है, सेसमी सीड्स, तीन से चार लहसुन के जवे यानी गार्लिक क्लोव्स, दीज विल गो इन। इसके अलावा ये कश्मीरी लाल मिर्चें जो होती हैं जिसको मैं गर्म पानी में भिगो के रख देती हूँ, उसका पानी यहाँ है, उस दिन मैंने चॉप कर दिए थे, आज ऐसे ही साबुत रखे थे, सो यू ऑल कैन ऑल्सो हैव अ लुक। इसको आप तोड़ के डाल दीजिए, ठीक है, इसी में साथ पिस जाएंगे, सारा कलर जो होता है कड़ी का इसी से आएगा, और आप चाहें तो थोड़ा सा पानी भी उसका रखिएगा, पानी भी हम इसमें डाल देंगे, फेंकिएगा नहीं, सारा पानी वहाँ रखा है मैंने। ओके, ये हो गया, इसका भी रंग लग जाता है ना हाथों पे तो फिर निकलता नहीं है। और ये भी याद दिलाती चलूं कि इफ यू वांट टू सी आवर लाइव सेशन टुडे, 2 बजे शो के बाद मेरा लाइव सेशन होगा फेसबुक पे, तो ज़रूर स्टे ट्यून्ड, बहुत सारी मज़े की बातें हैं, चीज़ें भी लेके आई हूँ आपको दिखाने के लिए। ओके, ये चला गया, लहसुन चला गया, तिल गया, धनिया गया साबुत, खोपरा गया, कश्मीरी लाल मिर्चें गई, और इसी में हम इसी का थोड़ा सा पानी शामिल कर देते हैं, पहले थोड़ा सा फिर बाद में, बिकॉज रिमेंबर बहुत सारा पानी नहीं डाल दीजिएगा, मुझे इसका सूप भी डालना है, इमली का भी पानी जाएगा एंड मोर। जब तक मैं यहाँ गोश्त को अदरक लहसुन के साथ घी में भून रही हूँ, आप लोगों को याद दिलाते चलूँ, ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, मसाला हम पीसेंगे ब्रेक में, और फिर आके किस तरह इसकी कड़ी बनाएंगे, मुगलाई कड़ी, देखिएगा किसके साथ सर्व करूँगी, वो भी सब कुछ हम बाद में दिखाएंगे। अगर आपको जीतना है पाकिस्तान फूडीज फेस्टिवल जो बीच लग्जरी में, उसके 2 वाउचर्स फ्राइडे को मैं होंगी वहाँ आपके साथ फॉर डिनर, तो ज़रूर get your vouchers and get your tickets. और Saturday को श्रीन अनवर होंगी, तो आप उनको मिलना चाहते हैं वहाँ भी जा सकते हैं उनको मिलने, Friday Saturday 2 दिन festival है, हम लोग होंगे वहाँ, और ज़रूर आइएगा, buy your tickets from there. एंड अगर आपको हमारे शो से जीतना है तो 2 वाउचर्स हैं टू गिव अवे, और उसके अलावा इनेक्स की तरफ से डीलक्स केटल भी है, तो जल्दी से 888-1 पे मुझे बताएंगे आपके जो जावित्री है उसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं। मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। लेट्स टेक अ ब्रेक। जी वेलकम बैक। गोश्त को हमने घी के साथ अच्छी तरह भून लिया था, और आप ऐसे समझिए इसमें मैंने पका लिया है, ठीक है, आप तो प्रेशर कुक करके ही इस्तेमाल करिएगा। अब सम्मो घी पिघलाएंगे, और एक बड़ी प्याज है उसको हमने चॉप करके यहाँ रख दिया है, उसको हम ब्राउन कर देंगे। मसाला पूरा रिपीट कर दूँ मैंने क्या किया था, खोपरा था, ठीक है, 4 से 6 बड़ी वाली कश्मीरी लाल मिर्चें थी, गर्म पानी में भिगो के रखिएगा, और इसमें साबुत धनिया यानी कोरिएंडर सीड्स थे, सफ़ेद तिल यानी सेसमी सीड्स थे, और लहसुन, सब कुछ थोड़े से पानी के साथ आप पीस के रख दीजिएगा। अभी मुझे इसको थोड़ा सा और फाइनली पीसना है। सूप डाल देंगे, ये
जैसे मैंने उस दिन भी आप लोगों को कहा था, यू मस्ट चेक योर करी बेस, ये फाइन होना चाहिए, बिल्कुल इसमें दाना नहीं आना चाहिए. तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आप इसको पीसते रहिएगा. कड़ी का कलर देखिए पेस्ट का कितना अच्छा आया. यू डोंट नीड टू बाय एनी पेस्ट एनी मोर. एक दफ़ा आप ये पूरा हफ्ता देख लीजिए, सारे कड़ी के पेस्ट सीख लीजिए और बनाइए, कुछ भी अंदर डालिए. बस दिस इज़ डन. जैसे ही प्याज हमारा अच्छा सा गोल्डन सा हो जाएगा, चॉप करके डालें, स्लाइस करके डालें, वट एवर, चॉप जल्दी हो जाएंगे. वी जस्ट हैव टू गिव दम अ लिटिल कलर. फिर हल्दी डालेंगे और ये मसाला पूरा जाएगा. और गोश्त जाएगा, थोड़ी सी सूप इसका जो स्टॉक है वो जाएगा. दूसरी क्या क्या चीज़ें हैं मैं बताऊँ आपको. काजू है मेरे पास, बादाम है ब्लांच किए हुए, ठीक है. मैं इसी में आई थिंक ब्लांच करी दे ग्राइंड करी देती हूँ. लेट मी जस्ट ऐड देम ऑल टुगेदर. उप्स, अच्छा मैं बादाम और काजू इसी में डाल देना चाहती हूँ. बादाम का छिलका उतार दिया था गर्म पानी में डाल के, और काजू हैं, ठीक है, रोस्टेड नहीं हैं, प्लेन वाले काजू हैं. और जो हमने मेस, मैंने जवाब दे दिया क्या, मैं भी आज का सवाल ये था. अब क्या करेंगे, मैंने जावित्री को पीस के रखा था ना, वो इसमें डालना है हमने. और क्या था, इलायची थी, छोटी हरी इलायची, ठीक है, इसको भी इसी में डाल देते हैं ताकि सब कुछ पिस जाए, स्मूथ सी कड़ी हो आपकी. ओके, प्याज हल्का सा सॉफ्ट एंड गोल्डन सा हो गया, इसमें आपने हल्दी पाउडर डाल दिया. और ये पेस्ट, इस पेस्ट को आपने बहुत अच्छी तरह भूनना है. पानी ज़रूरी है थोड़ा सा. मिसेस मंसूर हैं कराची से. हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है, कैसी हैं जी? मैं ठीक हूँ, थैंक यू जी, फरमाइए. अच्छा, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देना चाहूँगी कि मेज कहते हैं, ठीक है जी. और जनक, मुझे दूसरा आपसे एक ये बात पूछनी थी जी, कि एक पी करके लोकल चॉकलेट मिलता है, वो मैंने ना हाफ ऑफ के जी के 2-3 पैकेट ले लिए हैं. अब मैं अगर इसको बाहर रख रही हूँ, हालांकि वो डिब्बे से पैक है, मगर बहुत ही जैसे गर्मी है ना, तो वो बिल्कुल पिघला हुआ हो रहा है. अगर मैं इसको फ्रिज रखता हूँ तो कोई मसला है? मैं फ्रिज में भी रखती हूँ बहुत गर्मी के दिनों में, बिकॉज बिल्कुल ही पिघल सी जाती है. हाँ, वो बिल्कुल पिघल गया. हाँ, तो आप फ्रिज में रखिए, फ्रीजर में नहीं रखिएगा, फ्रिज में रखिए. और उसके फिर क्यों, या आप काट के फ्रिज में रख दीजिए, अलग अलग आप स्लैब्स फिर निकाल के इस्तेमाल कर सकेंगी. अच्छा, ठीक है, ठीक है, सही है. और मुझे एक और क्वेश्चन भी ये पूछना था कि ना जनक, एक वो जो चॉकलेट आता है जो एस से उसका नेम होता है, जिसमें पीनट्स डली गए थे, आपने बनाया होगा मे बी, मगर मैंने नहीं देखा होगा. अगर हो सके तो वो जरूर जरूर आप शामिल कीजिएगा. एच एस करके, एस एन से वो. मेरे डायरेक्टर साहब को प्लीज नाम बता दें, ऐसे तो मैं गेस वर्क करती रहूंगी कि आपके दिमाग में क्या है और मेरे में क्या है. चलिए ठीक है, फोन रखिएगा नहीं, उनसे बात कर लीजिए. थैंक यू. ऐसे तो मुझे याद ही नहीं आ रहा एज से कौन सी चॉकलेट थी. अच्छा जी, चलें, बादाम थे, काजू थे, ये मेस यानी जावित्री थी, छोटी हरी इलायची थी, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, और ये सारी चीज़ें, ये मसाला है, ठीक है. अब आप इसमें पीसें कि बाद में पीस के डालें, एक ही बात है. आई जस्ट वॉन्टेड कि ये अच्छी तरह मसाला हम भून लें. अब आप देखें, मैंने उस दिन भी आपको कहा था, मसाला भूनना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. कड़ी का जो बेस है, ये कड़ी का मसाला आप भून के
ठंडा करके डब्बे बना के फ्रीज़र में रख दें, निकालें फिर अंदर अंडे डालें बॉईल किए हुए, या ऑमलेट डाल दें बचा हुआ हो तो, चिकन डालें, गोश्त डालें, फिश डालें, कुछ भी। ये कड़ी का जो बेस है ना ये बहुत ज़रूरी है, इसको भूनना बहुत ज़रूरी है। अच्छा मैं समझ गई आपने क्या कहा था, एच से नहीं है एस से है। अच्छा ठीक है, बनाएंगे किसी दिन, मैंने बनाए भी हैं पहले। ओके समझ गई कौन से चॉकलेट्स चाहिए आपको। ठीक है, अभी इसमें जो पानी था वो थोड़ा सा डालेंगे और उसको पानी के साथ थोड़ा पकने देंगे। शेफ कुकवेयर में हम बना रहे हैं सारा खाना अपने शोज़ पे, आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे बर्तन हैं, ये नॉन स्टिक वेयर जो है इनकी है, ये फूड ग्रेड मटेरियल से बनाया गया है, बहुत अच्छी क्वालिटी का है, और आप भी घर लाइएगा और इस्तेमाल करिएगा, और इसको आप ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा पानी गया, अब इसमें हम डालेंगे ये पूरा गोश्त जो मैंने भून के रख दिया था, अदरक लहसुन के साथ आपने जो पकाया है। नमक मैंने अभी तक नहीं डाला है, वो नमक भी डाल देंगे। ठीक है, और लेट दिस गोश्त कुक विथ ऑल द मसाला ताकि इसमें भी अच्छे सा टेस्ट आ जाए। फिर हमें इसमें डालना है इसका स्टॉक, यानी कि ये जो है बिकॉज कड़ी है ना तो ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू हैव लिक्विड इन इट। और अब क्या जाएगा इसमें, इमली, इमली का पानी जाएगा एंड दैट्स इट। कितनी मज़ेदार सी ये कड़ी रेडी हो जाएगी। कड़ी डज नॉट ओनली मीन दही की कड़ी, बेसन वाली, पकौड़ों वाली, कड़ी इज़ ऑफ द वर्ल्ड, आई हैव टोल्ड यू, आई टीच आज और आई थिंक कल उस दिन मैंने सिखाई थी आपको प्रॉन एंड फिश के साथ कड़ी जो पारसी स्टाइल थी, और मैं खीमा कड़ी, हम लोग खीमा बोलते हैं, आप लोग कीमा बोलते हैं ना, लेकिन ये खीमा है तो मैंने खीमा ही नाम लिखा है, खीमा उसकी कड़ी हम बनाएंगे। और देखिएगा एक दिन ऑमलेट की कड़ी है इस तरह। अच्छा जी, ये एक उबाल आ जाएगा, देन दिस इज़ गोइंग टू बी रेडी। इसमें एक दो चीज़ें डालनी है, वो सर्व हम किस चीज़ के साथ करेंगे आज। जी आज मैंने ऐसे ही रस्टिक सा एक प्याज और हरा प्याज और टमाटर धनिया के साथ मैंने बना दिया था कचुम्बर, वो कचुम्बर जाएगा। देन देयर इज़ पापड़ एज ऑलवेज, जो कि एक तो मैं खा चुकी हूँ, अभी भी मेरा दिल कर रहा है मैं तोड़ के ऐसे करके मुँह में डाल दूँ। या आई कॉन्ट स्टॉप ईटिंग पापड़। और फिर हम पी पुलाव है मेरे पास यहाँ, ऑफ़ कोर्स दिस इज़ ऑल्सो डिफरेंट स्टाइल ऑफ मेकिंग पी पुलाव। हरा प्याज है, हरा धनिया है, मटर है, और थोड़े से सॉटेड चावल हैं गरम मसाले के साथ, दैट्स इट, उसके साथ हम सर्व करेंगे। ठीक है जी, चलिए ब्रेक की तरफ चलते हैं। पाकिस्तान फूडीज फेस्टिवल जो फ्राइडे और सैटरडे को हो रहा है बीच लग्जरी होटल पे, जहाँ मैं होंगी फ्राइडे को फॉर डिनर विथ यू ऑल, और शीरिन अनवर होंगी सैटरडे को, तो जल्दी जल्दी आप लोगों को अगर टिकट्स बाय करने हैं तो बाय करिए एंड हैव डिनर विथ अस देयर एट बीच लग्जरी होटल कराची। और उसके दो वाउचर्स हैं टू गिव अवे ऑन माय शो, एंड इलेक्ट्रिक केटल है इनिक्स की तरफ से। जल्दी जल्दी 888 पे मैसेज कर दीजिए और बताइए कि जावित्री को उर्दू, जावित्री को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं। मसाला एफडी लिखिएगा अपना नाम, शेयर का नाम, एनआईसी कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। ब्रेक। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं फूड डायरीज और मैं हूँ ज़रनक सिद्वा, और मैं बना चुकी हूँ द मुगलाई कड़ी विद द मीट। ठीक है, मटन के साथ मैंने बनाया है। मटन को आप आधा किलो मटन लीजिएगा, उसको एक चम्मच भर के अदरक लहसुन के साथ मैरिनेट करके छोड़ दीजिएगा, एक दो घंटे फ्रिज में निकालिएगा, प्रेशर कुक कर दीजिएगा जैसे मैंने किया था, थोड़ा सा नमक उसमें बाद में डालिएगा, गोश्त गले उसके बाद। फिर आपने उसमें क्या करना है, दूसरे एक पैन में आपने एक 2 टेबल स्पून भर के घी का उसको आप गर्म कर दीजिएगा, उसमें वो मटन डाल के उसको खूब अच्छी तरह भून लीजिएगा और फिर आप उसको पका लीजिएगा। मैंने उसको बॉईल करके रख दिया था। दूसरे पैन में आप एक और चमचा घी का मेल्ट कर दीजिएगा, एक बड़ी प्याज चॉप करके डाल दीजिएगा, उसको सौते कर दीजिएगा, हल्दी डालिएगा, और जो पिसा हुआ मसाला हमने बनाया था उसमें क्या क्या चीज़ें डाली थी वो मैं आपको बताती हूँ, वो आप डाल दीजिएगा। अच्छी तरह पिसा हुआ होना चाहिए। कश्मीरी लाल मिर्चें थी बड़ी वाली, गर्म पानी में भिगो के रख दिया था। 1 कप कोपरा था, यानी कि ग्रेटेड कोकोनट ड्राई वाला, ठीक है। साबुत धनिया था, ये कोरिएंडर सीड्स, फिर लहसुन था, उसके अलावा सेसमी सीड्स से यानी कि सफ़ेद तिल, और मैंने बादाम, काजू, बादाम लिए थे छिलका उतार के, काजू था, और छोटी हरी इलायची थी, उसके अलावा मेस यानी जावित्री थी। सब कुछ मैंने उसमें डाल के पीस लिया।
ताकि एक दफ़ा में ही मसाला पूरा पिस जाए। अच्छी तरह उसमें डालिएगा प्याज में और उसको भूनिएगा। मसाला भूनना बहुत ज़रूरी है, कच्चापन मसाले में नहीं रहे, ठीक है। ये कड़ी का मसाला जो है वही मेन चीज़ है, मेन थिंग कड़ी अच्छी बने। कड़ी का मसाला स्मूथ पीसिएगा और उसको अच्छी तरह भूनिएगा। ये हो गया, इसमें फिर हमने मटन शामिल कर दिया। मटन का जो सूप था, स्टॉक था, वो डाल दिया और मैंने पिसते वक्त थोड़ा सा पानी डाला था जिसमें मैंने वो लाल वाली बड़ी मिर्चें सोक की थी, वही वाला पानी था। इसके अलावा हमने इसमें क्या डालना है, इमली का पतला सा पानी या सॉस, वट एवर यू वॉन्ट टू ऐड, ठीक है जी। ये जाएगा और इसके साथ हम इसमें डालेंगे डिपिट का हॉट सॉस टू मेक इट नाइस एंड स्पाइसी, ठीक है जी। ये चला गया, नाउ लेट दिस कुक, इसको जरा चख लेते हैं। एक टुकड़ा इमली का लेके गर्म पानी में भिगो के रख दीजिएगा और फिर उसको छान लीजिएगा ताकि बीज नहीं आए, इमली के बिल्कुल बीज नहीं अंदर आने चाहिए। एंड दिस इज अ कड़ी, सो ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू बी मोर लिक्विडी, ठीक है। और मैंने यहाँ प्लेटर पे केले के पत्तों के ऊपर पी पुलाव रख दिया है, पापड़ है फ्राई किए हुए, कचुम्बर है और ये जो हमारी जो कड़ी है इसके अंदर जाएगी, ठीक है। दिस इज रेडी, कड़ी इज रेडी। अब आप चाहें तो आप थोड़ा सा धनिया अंदर डाल दीजिएगा और हरा प्याज भी है मेरे पास, हरा धनिया भी है, वॉट एवर जिस भी चीज़ के साथ आप उसको गार्निश कर दीजिएगा। देखें इस तरह की होनी चाहिए, स्मूथ सी है। मसाला अच्छी तरह पीसिएगा, लाल मिर्चों को अच्छी तरह भिगो के रखिएगा, ठीक है, समझ आ गई। कचुम्बर, लेमन, जो भी जो भी चीज़ के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। डेफिनेटली ट्राई आउट ऑल दीज रेसिपीज़ एट होम और मुझे बताइएगा एट द एंड ऑफ द वीक कि आपकी कौन सी फेवरेट कड़ी थी। एंड थोड़े से बादाम डालेंगे बिकॉज वी हैड पुट ग्राउंड आमंड्स इनसाइड ना, तो जिस चीज़ को आपने अंदर डाला है उसी के साथ आप इसको बाहर भी सजा के पेश करिए। देन योर मुगलाई करी इज़ रेडी। ज़रूर रेसिपीज ट्राई करिएगा, मुझे फीडबैक दीजिएगा, ठीक है जी। अब हम आते हैं एप्पल जलेबी की तरफ। नाउ यूल वंडर वॉट इज़ एप्पल जलेबी। ओके, बड़े बड़े सेब लीजिएगा जो आप अच्छे अच्छे गोल गोल रिंग्स में काट सकें। ये एप्पल का कोरर है, कोरर का मतलब होता है कि पूरा बीच में से निकाल देगा जो भी सीड्स आपके होंगे। नज़र आ रहा है, हेलो, हाँ ठीक है, ये पूरा अंदर तक जाएगा एंड देन यू कैन ट्विस्ट इट लाइक दिस एंड टेक इट आउट। तो ये पूरा अंदर से, बीज कभी भी नहीं खाइएगा, ठीक है, एप्पल के बीज अच्छे नहीं होते हैं। देखा, ये पूरा थ्रू एंड थ्रू हो गया, मुझे नज़र आ रहा है, आप लोग नज़र आ रहे हैं मुझे, ठीक है, ये पूरा थ्रू एंड थ्रू मुझे कर लेना है। ओके, डन। एप्पल कोरर है, नहीं हो तो कोई बात नहीं, छुरी से काट लीजिएगा भाई, बस दिखाने के लिए लाई थी। 2 बजे मेरे साथ लाइव रहिएगा फेसबुक पे, हम लोग लाइव जाएंगे और भी गैजेट्स लेके आई हूँ, आप लोगों को दिखाऊंगी। लाइव सेशन है, कोई क्वेश्चंस हो, कोई क्वेश्चंस हो आपके जहन में ज़रूर पूछिएगा। कौन है मुल्तान से? हादिया, सादिया, हेलो सादिया जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? जी मेरा नाम शादिया है, सादिया बताएं। जी 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 सादिया जी फरमाइए जी, आपके प्रोग्राम में बहुत शौक से देखते हैं, बहुत अक्सर कॉल मिलती है लेकिन बस घबरा जाते हैं जवाब आंसर करते हुए। आए हाय, क्यों घबरा जाते हैं? बस कभी की नहीं और आपके उसमें अक्सर मिल जाती है लेकिन बस घबरा जाती हूँ बहुत ज्यादा। नहीं घबराइए ना, बताइए जवाब क्या है। हाँ जी, जवाब है मैस कहते हैं जावत्री को। जी ठीक है, और फरमाइश भी करनी थी लेकिन अब वो बस कंफ्यूज होकर भूल गए। अरे नहीं ना, कंफ्यूज क्यों हो गई, बताएं ना मुझे।
बस ये केक वगैरह के ये इसमें मेरे पास ओवन तो नहीं है, माइक्रोवेव है. ठीक है. अब ये सिंपल केक भी बनाऊं तो उसको कितनी देर बेक करूं? माइक्रोवेव में बेकिंग नहीं होती है अनलेस के आपके पास माइक्रोवेव कन्वेक्शन ओवन है जिसमें बेकिंग भी होती है. कौन सा वाला है आपके पास? सिर्फ माइक्रोवेव. नहीं मेरी बहन, माइक्रोवेव में बेकिंग नहीं होगी. लोग करते हैं लेकिन मैं नहीं करती. उसमें उस तरह बेकिंग नहीं होगी. ठीक है. ठीक है. आप पतीली में कर लीजिए ना. पतीली में कितना बेकिंग, और स्टीमर में मैंने बेकिंग सिखाई है छन्नी में, याद है? जी जी. लेकिन सोचेंगे जल्दी हो जाए. क्या करूं? कोशिश ये कर देंगे जल्दी हो जाए, माइक्रोवेव में जल्दी हो जाएगा. नहीं नहीं, आप ट्राई करिएगा माइक्रोवेव की कोई रेसिपीज आपको नेट से मिले तो. मैं माइक्रोवेव कुकिंग में बिलीव नहीं करती हूँ जी. माइक्रोवेव इज नॉट गुड फॉर हेल्थ. दूसरी बात, तीसरी बात ये कि माइक्रोवेव में केक नहीं बनता है. ठीक है, बनाते हैं लोग मग में लेकिन मैं नहीं बिलीव करती उसमें. चलिए जी, और कुछ? चली गई. चली गई. ठीक है. अच्छा, अब हमें क्या करना है? हमें देखिए मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं एप्पल जलेबी को हम क्या करेंगे. मेरे पास वक्त तो है, वक्त है ना अभी हमारे पास. ओके, मैदा है, ठीक है, बेकिंग पाउडर है, चीनी है, वेनिला एसेंस है और नटमेग है. यानी कि कहाँ गया नटमेग? नटमेग मैंने भिजवा दिया. नटमेग प्लीज़ वो भेज दीजिएगा. नटमेग है मेरे पास और इसमें हमने सारी चीज़ें इलायची पाउडर के साथ मिक्स करके रखना है. फिर इसमें हम अंडे डालेंगे, दूध और क्रीम. इस बैटर को बना के 2 घंटे छोड़ दीजिएगा. फिर आप एप्पल के इस तरह बीच में से गोल काट लीजिएगा, स्लाइसेस मोटे मोटे करिएगा. उसके बाद आप क्या करोगे, आप उसको डिप करोगे ब्रेड क्रम्स में इस बैटर में और डीप फ्राई कर दोगे. गोल गोल जलेबियों टाइप ही, जलेबियों की टाइप की तरह ही होगा लेकिन ये एप्पल जलेबी कहलाया जाता है. मेरी रेसिपी नहीं है, कहीं से मैंने देखा था, ढूंढा था. ठीक है जी, तो आप भी इसी तरह बनाइएगा. मैं यहाँ रखा हुआ था शर्जील, मैंने भिजवा दिया. कोई बात नहीं, बाद में देख लेंगे. ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, हम मोटे मोटे स्लाइसेस काटेंगे गोल गोल एप्पल्स के और उसको थोड़ा सा नींबू पानी में भिगो के रख देंगे, काले नहीं हो जाएं. आप लोग आएंगे ब्रेक से, फिर बैटर बनाएंगे. बैटर में डिप करके हम तो फौरन फ्राई कर देंगे. आप लोग इस बैटर को बना के 1-2 घंटे रख दीजिएगा. तो चलिए मैं लेती हूँ एक छोटी सी ब्रेक. कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए. देखते रहिए फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी. लाइव सेशन 2 बजे शो के बाद मिस नहीं करिएगा, मेरे साथ रहिएगा. और अगर आपको डीलक्स केटल जीतना है एनएक्स की तरफ से, या अगर आपको जीतना है पाकिस्तान फूडीज फेस्टिवल जो बीच लग्जरी होटल कराची में हो रहा है फ्राइडे और सैटरडे को, फ्राइडे मैं होंगी वहाँ, सैटरडे को शीरिन अनवर होंगी. तो अगर आप हमसे मिलना चाहते हैं, डिनर हमारे साथ खाना चाहते हैं तो जल्दी से मैसेज करिए. 2 वाउचर्स हैं ऑन माय शो टू गिव अवे. ठीक है, मसाला एफडी लिखिएगा अपना नाम, शेयर का नाम, एनआईसी कार्ड नंबर जरूर लिखिएगा. ब्रेक. जी वेलकम बैक. चलिए एप्पल्स आर रेडी एंड कट. ठीक है, छिलका मैंने नहीं उतारा है, कोरर से आपने पूरा कर दिया. तो देखें कितना सही तरह गोल कटा है, वरना फिर छुरी से भी कर सकते हैं नहीं हो तो. ठीक है जी, अब मैं सारी चीज़ें एक बोल में डाल दूं. मैदा है यहाँ, ये आपको बैटर बना के रख देना है. मेरे पास टाइम नहीं है, मैं तो फौरन इसको कर दूँगी फ्राई. बेकिंग पाउडर है, अभी सारे क्वांटिटीज़ भी आपको मैं बताती हूँ कि क्या क्या है. इसके अलावा इसमें चीनी जाएगी पिसी हुई. ठीक है, फिर इसमें इलायची पाउडर जाएगा, यानी छोटी हरी इलायची का जो पाउडर होता है, कार्डमम, और नटमेग यानी जायफल, नटमेग का पाउडर जाएगा. ठीक है, ओके. और मैदा, बेकिंग पाउडर, चीनी, नटमेग यानी जायफल का पाउडर, कार्डमम यानी इलायची और वेनिला एसेंस. ठीक है, ये हो गया. अब इसमें 2 अदद अंडे जाएंगे. सब कुछ अभी मिक्स करते हैं. और इसमें क्रीम जाएगा, लेकिन क्रीम एकदम से नहीं डालेंगे, इसमें हमें दूध भी डालना है. क्रीम 1/2 कप था और जो दूध है वो 1.5 कप है. पहले मिक्स करेंगे हर चीज. ये बैटर है, बहुत पतला नहीं कर दीजिएगा वरना जो
एप्पल के ऊपर स्टिकी नहीं होगा, बहुत गाढ़ा होगा तो वो ही स्टिक होगा, दरमियाना सा। ठीक है जी, अंडे हैं, मैदा है, बेकिंग पाउडर है, क्रीम है, दूध है, पिसी हुई चीनी है, वेनिला एसेंस है, इलायची का पाउडर है और जायफल। बस दैट्स इट, ये सब कुछ हटा देते हैं। तेल या घी जो भी आपको डीप फ्राई करने के लिए चाहिए इन जलेबियों को, वो आप यहाँ रख दीजिए। चलिए मैं तेल में ही कर लेती हूँ अभी। वैसे मीठे हम नॉर्मली घी में करते हैं, जिसमें भी, वॉट एवर यू वॉन्ट। यहाँ रख देते हैं, गर्म हो जाएगा तो हम एप्पल्स को लेंगे। ठीक है, इस तरह का पोरिंग कंसिस्टेंसी का होना चाहिए, बहुत पतला भी नहीं, बहुत गाढ़ा भी नहीं, इसलिए पूरा दूध और क्रीम मैंने इस स्टेज पे नहीं डाला है, चाहेंगे फिर बाद में डालेंगे। ब्रेक की तरफ भी हमें चलना है, मैं एक गाथ दिखा दूंगी आप लोगों को किस तरह करना है, फिर दूसरा मुझे ब्रेक में तलना पड़ेगा। अच्छा, अगर आपके एप्पल के स्लाइसेस को ये बैटर स्टिक नहीं करे तो आप पहले क्या करेंगे, थोड़ा ब्रेड क्रम लगाएंगे। मैं आपको दिखाती हूँ, पहले ब्रेड क्रम लगेगा। ठीक है, स्लाइस लिया आपने, थोड़ा सा क्रम लगा दीजिए इस तरह। ठीक है, क्रम लग गया, फिर आप उसको डिप करिए इस बैटर में और फ्राई कर दीजिए। अभी मैं नहीं करना चाह रही इसलिए कि अभी ये तेल गर्म नहीं हुआ है, ठंडे तेल में नहीं डालिएगा, बहुत ज़्यादा जज्ब कर लेगा। हल्का सा गोल्डन हो जाए निकाल दीजिएगा, सर्व कर दीजिएगा वेनिला आइसक्रीम के साथ। कितना मज़ेदार, आसान, बच्चों को इस तरह खिलाइए, बनाइए, कोई भी और हार्ड फ्रूट के साथ आप कर सकते हैं। मुझे अब ब्रेक की इजाज़त दे दीजिए इसलिए कि ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है। अगर आपने जीतना है बीच लग्जरी होटल के फूड फेस्टिवल के वाउचर्स, फ्राइडे को 7 बजे से 7 PM ऑनवर्ड्स मैं वहाँ होंगी, तो अगर आप मेरे साथ खाना चाहते हैं तो, या फिर मिलना चाहते हैं, और अगर आप एनएक्स की तरफ से ये गिफ्ट जीतना चाहते हैं तो जल्दी से 888-1 पे आप मुझे बताएंगे कि जावित्री को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। मसाला FD लिखिएगा अपना नाम, शेयर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। टेक अ ब्रेक। मुगलई करी, अज्जा, मटन आधा किलो, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, घी 1 खाने का चम्मच, पीसने वाले अज्जा, नारियल 1 कप, कश्मीरी लाल मिर्चें 8 अदद, साबित धनिया 1 खाने का चम्मच, तेल 1 चाय का चम्मच, लहसुन 4 जवे। मसाले के लिए बादाम ब्लांच 50 ग्राम, काजू 50 ग्राम, जावित्री 2 अदद, इलायची 1/4 चाय का चम्मच। करी के लिए चॉप्ड प्याज 1 अदद, हल्दी 1/2 चाय का चम्मच, इमली का पानी 1/4 कप, नमक हस्बे जायका, घी हस्बे ज़रूरत। तरकीब, मटन पर अदरक लहसुन का पेस्ट और नमक लगाकर मैरिनेट कर दें, उसके बाद घी गर्म करके मटन और पानी डालकर पकाएं, फिर अलग पैन में घी गर्म करके प्याज फ्राई करें कि वह ब्राउन हो जाए। अब इसमें हल्दी और पिसे मसाले शामिल करके मटन की यखनी के साथ सौते करें, फिर इसमें मटन डालकर पकाएं। अब इसमें मसाले के अज्जा थोड़े पानी के साथ पीस कर शामिल करें और पकने दें कि सालन गाढ़ा हो जाए, फिर इसमें इमली का पानी शामिल करके धीमी आँच पर पकाएं। एप्पल जलेबी अज्जा, सेब 4 अदद बड़े, बैटर के लिए अंडे 2 अदद, मैदा 1 कप, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चम्मच, क्रीम 1/2 कप, दूध 1.5 कप, कस्टर्ड शुगर 5 खाने के चम्मच, वनीला एसेंस 1 चाय का चम्मच, पिसी इलायची 1/2 चाय का चम्मच, पिसी जायफल 1/2 चाय का चम्मच, ब्रेड क्रम्स हस्बे ज़रूरत, घी हस्बे ज़रूरत। तरकीब, मैदा, बेकिंग पाउडर, चीनी, वनीला एसेंस, इलायची और पिसी जायफल मिक्स करें। अब इसमें दूध, अंडे और क्रीम मिलाकर बैटर को 2 घंटे छोड़ दें, फिर घी गर्म कर लें। उसके बाद सेब छीलकर मोटे स्लाइस में काट लें, फिर एक स्लाइस को बैटर में डिप करके घी में फ्राई करें। अगर बैटर कोट ना हो तो पहले सेब के स्लाइस को ब्रेड क्रम्स में कोट करें, फिर बैटर में डिप करके फ्राई कर लें, आखिर में वनीला आइसक्रीम के साथ सर्व करें। एप्पल जलेबी अज्जा, सेब 4 अदद बड़े, बैटर के लिए अंडे 2 अदद, मैदा 1 कप, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चम्मच, क्रीम 1/2 कप, दूध 1.5 कप, कस्टर्ड शुगर 5 खाने के चम्मच, वनीला एसेंस 1 चाय का चम्मच, पिसी इलायची 1/2 चाय का चम्मच, पिसी जायफल 1/2 चाय का चम्मच, ब्रेड क्रम्स हस्बे ज़रूरत, घी हस्बे ज़रूरत।
जी वेलकम बैक। ये देखें मैं फ्राई कर रही हूँ और आपको भी दिखाते हैं कैसे डालना है। बस मेक श्योर कि ये जो बीच में इसका एप्पल का जो ये होल है ना, देखें ये आपने लिया और बैटर में डिप किया। बैटर को थोड़ा राइज होने के लिए टाइम दीजिएगा, ठीक है। और आपने इसको अच्छी तरह ऐसे करके कर दीजिए ताकि ये इस तरह होल नज़र आ जाए। और आप इसको तेल में या घी में फ्राई कर दीजिए, वट एवर यू वॉन्ट। आइसक्रीम के साथ सर्व कर दीजिएगा। यू कैन ऑल्सो कॉल दम एप्पल डोनट्स बिकॉज द बैटर इज़ सो नाइस एंड डोनटी। एक्चुअली बहुत तेज़ आँच नहीं रखिएगा, अंदर से क्रिस्पी सा एप्पल होगा और ऊपर से ये मज़ेदार सा इसका बैटर। आई लव फ्राइड फूड्स, पता नहीं क्यों। सब कुछ खाइए, मॉडरेशन में खाइए। एक और डाल देते हैं, बस दैट्स इट। देन मैं आइसक्रीम के साथ इसको सजा भी दूं। बहुत पतला नहीं कर दीजिएगा बैटर प्लीज़, बहुत गाढ़ा भी नहीं करिएगा। दो बजे तैयार हो जाइए, बैठ जाइए फेसबुक पे और मेरे साथ लाइव रहिए। कोई क्वेश्चंस हो टाइप करिएगा, ठीक है। देखिए ये हो गया तो ऊपर आ जाता है, आराम से इसको टर्न करिए। जल्दी नहीं रहिए, नहीं कर दीजिएगा वरना जल्दी में क्या होगा कि जो ऊपर का बैटर है ना पूरा निकल आएगा। अब देखें आपने थोड़ी देर के लिए भी रखा ये बैटर को तो इसमें जो बेकिंग पाउडर है डज इट्स वर्क, तो उससे फिर क्या होता है राइज होता है, कितना मज़ेदार होता है। आइसक्रीम वेनिला का है मेरे पास, इसका हम चूल्हा बंद कर देते हैं। इसको पहले हम सजा देते हैं इसी के साथ, ठीक है। यहाँ से दे लुक लाइक डोनट्स डोंट दे। रेसिपीज़ ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा आपको कौन सी रेसिपीज़ अच्छी लगी, आपने कौन सी ट्राई की। सारी चीज़ें आपके घर में होती ही हैं, ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं जो मैंने बनाई हो जो घर में ना हो, आपके किचन में नहीं हो। आज कौन जीता है क्या क्या ये भी तो ज़रा मुझे बता दीजिए प्लीज़। हेलो फातमा कसूर से जीती है इनेक्सा गिफ्ट, और किन्जा है कराची से जो जीती है वाउचर हमारा उसका बीच लग्जरी होटल का, ठीक है। ये भी हो गया, सो हॉट। अब गरम गरम इसके साथ ना आप आइसक्रीम का स्कूप रख दीजिए, ऑफ कोर्स इट्स गोइंग टू मेल्ट। उप्स ऊपर रखूंगी तो फौरन ही पिघल जाएगा बिफोर आई टेक द पिक्चर्स, सो लेट्स डू दैट एज वेल, ठीक है जी। ये हमारी रेसिपीज आज की हो गई हैं। आई होप आपने शो एंजॉय किया होगा, आप रेसिपीज ट्राई करेंगे मुझे फीडबैक दीजिएगा। तो चलिए दीजिए मुझे और टीम फूड डायरीज को इजाज़त, जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़।